पोसम पा भाई पोसम पा ऐसे कर क्या किया, किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई यही वाला। अब तो ये भूल भी गए। हम आ गए हैं रावत एसोसिएट्स में, चेयरमैन सीएमडी पाई। छोटा सा कौन है गार्ड? अच्छा आज गार्ड नहीं आया ना। अच्छा हाँ, आज गार्ड भैया नहीं आया ना। चलो चलो, कीर्ति हुई गोलमोल। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल सैंडी कैंडी। और आज मैं इतनी थकी हुई हूँ बिकॉज कल मैं बहुत लेट सोई थी। जन्माष्टमी था तो मेरा फास्ट था, तो 12 o'clock वो मैंने फास्ट तोड़ा, उसके बाद मैं सोई। और लेकिन फिर भी मैं जल्दी उठ गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। जब आदत हो जाती है ना उठने की तो बंदा उठ ही जाता है। सो मैंने ये वाली टी शर्ट पहनी है, बहुत ही प्यारी सी, लूज लूज सी। ये मुझे रिकी ने बताई थी कि तू ये ले बिकॉज ये वाली बहुत कम, उसके पास ये वाली दो है और हम कभी ट्विनिंग करेंगे। ये तो होता ही नहीं। हाँ। 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 दो वाला क्या कुछ गार्डन पोसम पा भाई पोसम पा ऐसे कर क्या किया, किया 100 रुपए की घड़ी चुराई यही वाला। अब तो ये भूल भी गए। एक में बोलता था आओ मिलो शीलो शालो, लग रहा है गिंटू उठा उठा कर से। हाँ। 5 गिंटू लिए ऐसे गिंटू क्या पत्थर पत्थर ठीक। एक एक हम खेल कर रहे हैं कंचे। हाँ। एक हम खेले आज पुराने गेम खेले सारे। हाँ हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाएंगे सब। ठीक है, है? तुझे क्या क्या खेलना आता? एक लंगड़ी टांग, एक टांग पे पकड़ना। मम्मी एक वो भी होता खिप्पड़ वाला गेम। हाँ खिप्पड़ वाला क्या लंगड़ी टांग। हाँ वो कह रहे हो ना बॉक्स बनाते हैं। हाँ वही वाला चौक से हमारे क्या बोलते हो पता नहीं, उसमें हम ऐसे से जाते आगे को। हम तो लगे खेले हैं कभी कभी, तो पता क्या हो गया मेरे साथ झगड़ा ऐसे ज्यादा मेरे को हमारे जैसे हमने खेल लंगड़ी टांग खेल लिया खेल लिया तो डांटा बहुत है मुझे वहाँ पे हमारे गाँव में। तो एक दिन मैं ऐसे लंगड़ी टांग खेल ली ना कोई सा जैसे मेरे भैया जा रहे कह रहे लंगड़ी टांग ही खेलेंगे तो गाइज आप बताओ आप लोग अपने बचपन में क्या क्या गेम खेलते थे कमेंट में बताओ, और कैसे खेलते हैं क्या उसके रूल थे वो सब बताओ आप लोग बचपन की यादें। लकड़ी ऐसे फेंक के डंडी ऐसे फेंको और पेड़ पे चढ़ जाओ। हमारे यहाँ तो इतना ही गंदा नाम है उसका, इतना गंदा नाम है। हाँ हाँ वो वाली ना यारी समझ गई गू की लकड़ी वाह यू फेंक के मारे पेड़ पे चढ़ गए। मुझे पेड़ पर चढ़ने की तो मुझे पहले ऐसी प्रैक्टिस ही खो खो आइस स्पाइस खट्टा दुका ही दुका ऐसा जैसे पता है मम्मी मुझे ना बाद में पता लगा ये ना आइस स्पाइस गेम नहीं होता वो आई स्पाई होता है। हाँ, खट्टा दुका है फिर किसी को बताना होगा दो साथी होकर उसे बताना होगा किसके पास है। जिसके पास निकल आया करे आए नहीं निकल गलत बताया करे तो शायद उसमें कुछ मारा गया मतलब भूल भी गया क्या था वो मतलब। चलो आज आज कुछ खेल कर दिखाएंगी मम्मी क्या दिखा मैं मम्मी कुछ दिखाओ खेल कर बचपन वाले गेम। मैंने कंचे में ऐसी चोट मारी ना ऐसे ऐसे फेंक कर रहे फिर ऐसा मारी बिल्कुल इस दूर गया ऐसा रहा मुझे कंचे में चोट लगी। तो जा मैं खेल तो मैंने भी है खेले तो वही तो खेल है और कौन सा हम लोग बाहर छोड़ने आए थे पाई को और शीरो घूम गया यार। घूम नहीं गया मतलब या तो आया या नहीं आया ये नहीं पता लग रहा। शीरो अगर वो आया था बाहर ना तो भागता नहीं है भागता नहीं मतलब ऐसे। हाँ वैसे शीरो पे तो वो है ट्रस्ट ऑस्कर तो भग जाता है ना इतनी देर में ऑस्कर तो भग जाता है। शीरो बोरा मम्मी शीरो वो है बोरा देख कितना कैसे घूम रहा। शीरो मिल गया शीरो मिल गया भाग रहा है क्या हुआ मैं इसको डांट रही हूँ ये तो भाग गया लेकिन अंदर मैं इसको डांट रही थी कि अब अगर तू गया और आंटी आंटी आप तो नहीं यहाँ से नहीं लिया अनिकेत नगर यहाँ से नहीं लिया यहीं से तो गया वो बाहर था जब गया ना तो हमने ध्यान ना करा ध्यान नहीं दिया। हाँ। पाई आ गए दोबारा से पाई कुछ भूल गया मैं और करण जा रहे हैं ऑफिस और वहाँ पर पाई ऑलरेडी है ना तुम्हें कुछ काम है वहाँ पर। हाँ मुझे कुछ काम है काम रह गया था मेरे लास्ट टाइम तो वही करने जा रहे हैं क्योंकि कल जन्माष्टमी थी कल ऑफिस बंद था तो आज जा रहा हूँ। ओके okay, और मैं ऐसे ही जा रही हूँ बिकॉज काफी डोमिनोज खाने नहीं क्योंकि काफी टाइम हो गया मैं हर बार जब आती हूँ ऑफिस जाती हूँ वंस हमेशा तू जाती सिर्फ और सिर्फ डोमिनोज खाने नहीं ऐसे कुछ नहीं है गाइस तुम्हारी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा मैं गाइस हमेशा जाती हूँ गाइस इग्नोर हिम। हाँ गाइस आज का मौसम देखो थोड़े थोड़े क्लाउड्स है और अच्छा सा मौसम है मतलब प्यारा लग रहा है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं और बताना ये वाले शेड्स मुझ पे कैसे लग रहे हैं बिकॉज ये भी करण के तो मैं ना पहन लेती हूँ करण के सारे शेड्स मुझ पे ठीक लगते हैं आई थिंक
और करने भी ये वाले पहन मैंने भी चेंज कर लिए क्योंकि मैं ना एक एक्स्ट्रा रखता हूँ गाड़ी में तेरी वजह से क्योंकि तू आती है हमेशा मेरे लिए। और आजकल तुम्हारी एंडेवर तो चली गई है ना, हमारी फेवरेट कार, उसमें फर्स्ट टाइम हम मिले थे ना एंडेवर में। देखो मुझे तो कार्स की इतनी नॉलेज है भी नहीं, लेकिन ये वो कार है जिसमें हम फर्स्ट टाइम डेट पर गए थे ना। और फर्स्ट डेट पर हम इसमें गए थे। और अब तुमने ये अपनी मेन कार बना ली है आजकल। अब मैं इसी को चलाता हूँ, इसकी ना ड्राइव बहुत कंफर्टेबल है। और आई थिंक रिकी की भी ये फेवरेट कार है। हाँ रिकी की भी। चलो हम आ गए हैं अर्ब टेक। वाओ कितनी सुंदर लग रही है यहाँ से बिल्डिंग। गाइस इधर इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, लेकिन ये वाले शेड्स पता कैसे है, किसे ना धूप दिख नहीं रही। मैं क्या बोल रही हूँ आप लोग समझ नहीं पाओगे इस बात को, लेकिन ना इससे ऐसे लग रहा है कि ठंडी ठंडी सी फील आ रही है देखने में। तेरा लुक दिखाऊं? देखने में फील आ रही है तो ऐसे लग भी रहा है, यह है मेरा ऑफिस गोइंग लुक। चलो हम आ गए हैं रावत एसोसिएट्स में, चलो अंदर चलते हैं। एमडी डायरेक्टर करण रावत के केबिन में, और देखो किंग लायन एंड किंग। वाओ ये देखना ये क्या है, गाइस बताओ ये क्या है। चलते हैं पाई के मेन केबिन में, चलो चेयरमैन सीएमडी पाई। यस हेलो पाई। यस कैसे हो? बढ़िया। और करण भी बैठे हैं। ज्वाइन कर लिया तूने? हाँ पाई मैंने कर लिया। कर लिया? हाँ। गुड। आप मुझे कौन सी पोजीशन दे रहे हो यार? ये तो ट्रेनी। नहीं 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 पाई, नहीं मुझे जैसे तुम डायरेक्टर हो ना, डायरेक्टर चेयरमैन, तो पाई उसी टाइप की पोजीशन मुझे चाहिए। डायरेक्टर यहाँ तो डायरेक्टर ही डिजर्व भी करती है ना ये। हाँ ग्लोब में हिमाचल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए इंडिया में पे, हाँ इंडिया में श्रीनगर है, यूपी का आगरा है, दिल्ली है, बाकी सब हर स्टेट का ना एक एक उसका नाम है, मतलब सिटी का कुछ भी हो। यहाँ देख नंदा देवी लिखा हुआ है खाली। नंदा देवी क्या है? नैना देवी को तो लिखना चाह रहे होंगे। उत्तराखंड में हो सकता है नंदा देवी, हिमाचल का तो इसमें है ही नहीं यार, ऐसे मत बोल। गाइस ये है किचन एरिया और यहाँ से व्यू देखो कितना सुंदर है, ये देखो वाह। डोमिनोज खाने आ ही गए, मतलब मेरा मोटिव तो नहीं था, लेकिन मैं सोच रही थी कि खा लेते हैं। लेट्स गो। मैंने बोल दिया कि टाइम लगेगा बिकॉज पता नहीं क्यों, बिकॉज मशीन में प्रॉब्लम है, ऑर्डर लेने में नहीं। हाँ मन तो कर रहा था लेकिन लेकिन हम ना क्योंकि सैंडी का मेरी सैंडी कैंडी का मन कर रहा है, तो मैं ऐसे जानी तुम उसको बहुत से पता नहीं, एक भी उसमें नहीं आया हूँ सीन में। अच्छा चले जा रही है तो सैंडी कैंडी का मन है, तो उसका मन तो मानूंगा नहीं, तो मैं भी ऑर्डर कर रहा हूँ घर जाके। सबसे पहले हम डोमिनोज लेंगे। ओके लो वापस चलते हैं। और ये धूप थी ना तो ये पक्का अंदर से बहुत ज्यादा तप गई होगी। एसी कर दिया बस, अभी चला दो। हाय देखो इस टाइम पर सोसाइटी कितनी सुंदर लग रही है यार, ऐसे पेड़ों की छांव है। मतलब मैं सोचती हूँ यहाँ पर इतनी गर्मी होती है तो सिर्फ एक सहारा होता है पेड़, उनकी छांव के नीचे बैठ सकता है इंसान, मतलब वरना इतनी गर्मी रहती है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है इस टाइम पर, मुझे लगा कि मुझे इसकी वीडियो बनानी चाहिए तो मैंने बनाई। ये बोलते हैं ना सेव ट्रीज, सेव ट्रीज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सेव ट्रीज ही रखनी चाहिए, क्योंकि पता है अब देख छांव दे रहे हैं और कितने सारे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सबका काम करते हैं, ठीक है इनटेक आउटटेक सब कुछ करते हैं ये लोग, मतलब पेड़ ये लोग ऐसे ट्री भी तो लिविंग है ना, इसलिए मैं लोग बोला मैंने। और मतलब बहुत अच्छे होते हैं यार, पूरे एनवायरनमेंट को संभाल के, तो सेव ट्रीज, सेव ट्रीज यार एंड प्लांट मोर ट्रीज है ना, एज मच एज यू कैन। जैसे प्रॉमिस किया था हमने डोमिनोज मंगवा लिया है, देख गोलू और टाकोस भी बहुत टेस्टी, मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ वैसे ये वाले जो डोमिनोज के। लेट्स ट्राई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस मुझे ना यहाँ इस घर की सबसे बेस्ट बात क्या लगती है कि डाइनिंग टेबल पर ना कोई मिठाई हमेशा रहती है, तो ये मुझे सबसे बेस्ट बात लगती है। इसे देखो मिठाई का डब्बा छुओ नहीं कि ऑस्कर वहाँ आया नहीं, ऑस्कर क्या चाहिए मिठाई। तो मैं बस अभी मेरी फेवरेट ये नहीं यार ये है पतीसा, तो ये थोड़ा सा खा लेती हूँ, पूरा नहीं खा पाऊंगी आधा खा लेती हूँ। बाहर घूमने और पापा ये कौन बैठे हैं यहाँ पर, छोटा सा कौन है गार्ड? अच्छा आज गार्ड नहीं आया ना? अच्छा हाँ आज गार्ड भैया नहीं आया ना, चलो चलो छोटा सा बच्चा गार्ड भैया बैठा दिया, गजब बेइज्जती है गार्ड भैया, तो कोई बोला
मेरे उसमें ये कमेंट आ रहे हैं कि आपकी बेटी पे एक ही सूट है। येलो शॉर्ट्स हैं एक बता दो। नहीं नहीं जो कल पहना था, कल पहना था जो लोग कमेंट करना जो तू बता दे। एक पिंक भी है तेरे पास कि आपकी बेटी पे ये सूट है हर जगह ये एक बार वहाँ पहना है, दूसरी बार यहाँ पहना है, दो ही बार वो रील वायरल हो गई थी ना, वो बहुत वायरल गई थी रील दीदी मौसम का मजा ले रही है। मम्मी क्या कह गया आप, कचरा सी हो रही है दीदी, मोटी हो रही है। गोल गोल पानी क्या चाहिए मम्मी, सब थाईज ही ना मम्मी, थाईज ही पेट भी, पेट वेट भी सब फेस पे भी दिख रहा। गोल मोल गोल मोल, मैं भी रनिंग करने जाऊंगी 7:30 बजे। कीर्ति हुई गोल मोल। हमारा बहादुर आ चुका है आज, उसको मतलब वहाँ पे छुट्टी मिल गई है हॉस्पिटल से, तो हम जा रहे हैं। बहादुर ने कहा कि बहादुर जहाँ पे रहता है, जो बहादुर का रूम है बिला पे, वो बहुत ऊपर जाके है, तो हमने कहा बहादुर आप नीचे भी रह सकते हो बेसमेंट में, लेकिन बहादुर ने कहा नहीं मेरा मन नहीं लगेगा तो मैं P3 पे रहूंगा। तो जहाँ हमारा ऑफिस है बहादुर इस टाइम वहाँ पे है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं बहादुर को, मैं विकी सैंडी, अब हम तीनों लोग मिलकर बहादुर को देखने जा रहे हैं कि बहादुर की तबीयत में कितना सुधार है। वैसे बहादुर ठीक है एकदम, आ जाओ अब हम आगे बहादुर को देख रहे हैं। ये है हमारा P3 ऑफिस, मतलब स्टाफ का ऑफिस नहीं है, स्टाफ रहता है। हाँ, रहने के लिए इंतजाम, सोने के लिए और खाने के लिए गेस्ट हाउस। भूखा रख दी है बहादुर भैया, आ गए आपको कितनी, वो बोल रहे बहुत रुपया कमा रहा है। मेरा भी ऑपरेशन हुआ था ना, मेरे को कुछ खाना को नहीं देता, मेरा मन होता था ये चीज खा लूं वो चीज खा लूं, और वो कुछ नहीं देते, सिर्फ ग्लूकोज पर रखते हैं। बहादुर भाई कैसा लग रहा है तुमको अभी, ठीक लग रहा है? अब तो काफी बेटर लग रहा है। पता है लोग पूछ रहे थे, ऑडियंस पूछ रही है कि कैसा है बहादुर। मैंने कल बात किया, हमें तो बताया ही नहीं ना, हम डालेंगे हम तो, वो बता रहे कौन बता रहा मेरे को, बहादुर तो अपने आप वीडियो कॉल पे बात कर रहा भाई, और तुम्हारे बीवी बच्चे सब क्या कर रहे हैं? ठीक है बताया क्यों नहीं, ऐसा ऐसा गाली दे रही तो बहादुर पानी भी दी होगी गाली, गुस्सा कर रही होगी ना बहुत ज्यादा, इतना कुछ हो गया कुछ बताया ना, ना बताया टेंशन में आ रहा है बोल के। तो तुम कह देना कि ये भी तो मेरी फैमिली है, ये सब मेरी फैमिली की तरह से ध्यान रख रहे हैं। मैं वाला ये सब घबराने की जरूरत ना, अभी हो गया ऑपरेशन हो गया तब मैंने, अरे एकदम बढ़िया हूँ मैं, ये बता दिया ना फर्स्ट क्लास, तो बहुत पतले कितने हो गए ना, सही हो गया कोई नहीं, अब खूब खाना इसके बाद ठीक हो जाओ। अरे बहादुर वही चीजें खाना, हल्की 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 खाना, दाल खाए, दाल को पानी खाना, खिचड़ी पानी, जो भी चीज हल्की बताइए ना, दलिया कुछ ऐसा जो भी बताया हो वही खाना, अपना पूरी तरीके से ध्यान रखना, और कोई फ्रूट्स वगैरह बताया हो खाने के लिए कुछ ऐसी चीज बताइए तो वही खाना। बॉयल्ड अंडे खा सकते हैं, खा लो तो मिल जाएंगे यहाँ पर अंडे,